फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। डिहोई वाला रेलवे स्टेशन देहरादून से 20 किलोमीटर पहले, जो कि उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। मैंने पहले भी यहाँ पर आपको अपडेट दिया था और बताया था कि पिछली बार जब अपडेट दिया था तो लगभग यहाँ पर 45 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया था, और कुछ ही दिन पहले, लगभग ये मान के चलिए 15 दिन पहले ही मैंने इसका आपको अपडेट भी दिया था। और चूँकि यहाँ पर भी 7 तारीख तक जो ब्लॉक था वो लिया गया था, और 7 फरवरी को ब्लॉक ख़त्म हो गया था, और 8 फरवरी से यहाँ पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग बनाई गई है बिल्कुल, और पुरानी वाली बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा, और उसके दूसरी दिशा में प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो देखा भी आपने, बोर्ड के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ था। तो सामने इधर से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो डोई वाला को पेंट किया जा रहा था, और अभी 2-3 दिन पहले ही ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से देहरादून तक कर दिया गया है। हालांकि अभी 3-4 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका भी संचालन नहीं हो रहा है, जैसे कि उपासना एक्सप्रेस, उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस साथ में, और तीसरी वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस, जिसका संचालन अभी नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो भेजा है ये राहुल भाई ने भेजा है, ठीक उसी तरह जैसा कि अभी ऋषिकेश वीरभद्र और पुराना ऋषिकेश साथ में देहरादून रेलवे स्टेशन का वीडियो राहुल भाई ने भेजा है, ठीक उसी तरह ये भी वीडियो राहुल भाई ने भेजा है। तो देख सकते हैं सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2, और हरिद्वार की दिशा में ये रूट जा रहा है। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई कि मैं डोई वाला रेलवे स्टेशन का अपडेट फिर से आपकी वजह से दे पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल जो ट्रेनें नहीं आ रही हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर, उम्मीद यही की जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में इन ट्रेनों का संचालन भी देहरादून तक कर दिया जाएगा, और देहरादून से ही इन्हीं ट्रेनों का संचालन होने लगेगा। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रेन आ रही है नैनीदून जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देहरादून से काठगोदाम के बीच में चलती है मेन लाइन से। और आपने देखा था कि बीच में जब हमने आपको अपडेट दिया था तो यहाँ पर काम चल रहा था ट्रैक के ऊपर, सब कुछ नए तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया गया है, मॉडलिंग भी की गई है स्टेशन पे। देख सकते हैं इसके कोचेस फ्रेंड्स कि किस तरह से हैं, रंग बिरंगे एकदम, महामना एक्सप्रेस की तरह, जैसे कि वाराणसी नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लगे होते हैं महामना एक्सप्रेस, ठीक उसी तरह इसमें भी वायलेट कलर के। हालांकि यहाँ पर अपडेट कुछ खास नहीं था, वीडियो इस वजह से भी यहाँ पर आपको हमने दिया क्योंकि आपको दिखा सकें कि डोई वाला रेलवे स्टेशन पर भी ब्लॉक लिया गया था जो ख़त्म हो गया, और ट्रेन का संचालन अब सुचारू रूप से होने लगा है। अब देखिए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 से राहुल भाई ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और सामने जो ट्रेन आ रही है वो राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि देहरादून से गोरखपुर के बीच में चलती है, साथ में किसी किसी दिन देहरादून से मुजफ्फरपुर के बीच में भी चलती है, चलने के दिन अलग अलग हैं। तो अभी फ़िलहाल जितनी भी ट्रेनें निकल रही हैं ज़्यादा रफ्तार से नहीं निकल रही हैं, तो लगभग 50-60 की किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से ट्रेनों को पास दिया जा रहा है, सिग्नल दिया जा रहा है। तो ये देहरादून से आती हुई ट्रेन, फिलहाल अभी जो ट्रेनें डीजल लोको से चल रही थी उनको डीजल लोको से ही संचालित किया जा रहा है, जहाँ पर अभी विद्युतीकरण का काम नहीं किया गया है, और जो ट्रेनें अभी इलेक्ट्रिक लोको से चल रही थी पुराने समय में उनको इलेक्ट्रिक लोको से ही संचालित किया जा रहा है, क्योंकि उस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से ही किया हुआ है। तो ये ट्रेन भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन, तो ई लोको द्वारा इस ट्रेन का संचालन हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही तरह से ट्रेनों का संचालन ई लोको द्वारा भी और डीजल लोको द्वारा भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो डोई वाला रेलवे स्टेशन का जो राहुल भाई ने भेजा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।